शिमला, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का भंडाफोड़ हो गया है। पूरे देश को यह पता लग गया है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की गरीब और आम जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों का पहाड़ खड़ा करके लोगों से वोट प्राप्त किए गए और अब वे गारंटियां एक एक करके धराशायी हो रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सभी कांग्रेस नेताओं, मुख्यमंत्री, यहां तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नसीहत दी है कि उतनी ही झूठी गारंटियां दो जितनी पूरी की जा सके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कर्नाटक सरकार का बेड़ा गर्क हो गया है और अब और सरकारों का बेड़ा गर्क न करे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ और न भविष्य में ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने गिरगिट की तरह रंग बदले। गारंटियां तो पूरी करनी थी लेकिन उन्होंने खटाखट टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बिजली, पानी, डिपो से मिलने वाले राशन, डीजल और स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लगाया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। हर रोज नई बातें की जाती हैं, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जिन विषयों और झूठे वायदों को लेकर आप सत्ता में आए थे उनका क्या हुआ। आज केवल दोषारोपण करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का भंडाफोड़ हो गया और पूरे देश को पता लग गया कि हिमाचल में सत्ता प्राप्त करने के लिए किस तरह कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की गरीब और आम जनता को ठगा, किस तरह और झूठी गारंटियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करके लोगों से वोट प्राप्त किए और अब वो सारी झूठी गारंटियां एक एक करके धराशाही हो रही है। अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और नसीहत दे डाली कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री को और यहां तक राहुल जी को, सोनिया जी को, कि उतनी ही झूठी गारंटियां दो जितनी पार पाई जा सके। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कर्नाटक सरकार का बेड़ा गर्क हो गया है, अब और सरकारों का बेड़ा गर्क ना करें। हिमाचल प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा गया, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी ऐसा हुआ ना भविष्य में कभी ऐसा हो सकेगा, और ऐसे गिरगिट की तरह से रंग बदले कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण, गारंटियां तो कहां पूरी करनी थी और खटाखट टैक्स का बोझ लगाना शुरू कर दिया। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, राशन जो डिपो पर मिलता है उस पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, जो और स्टाम्प ड्यूटी है उस पर टैक्स, और ये छोड़ा ही कोई नहीं। और इस तरह से एक वातावरण बनाने का प्रयास किया 22 महीने की और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सबसे निकम्मी सरकार, और हर रोज नई बातें नई बातें। आज हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि जिन विषयों को लेकर, जिन गारंटियों को लेकर, जिन झूठे वायदों को लेकर आप सत्ता में आए थे उनका क्या हुआ। आज केवल दोषारोपण करके अपना गुजारा कर रहे हैं, परंतु सच में खड़गे जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी नेताओं को और अच्छी सीख दी है और अब जनता को इनका हिसाब किताब बराबर करना है।